नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिन पत्रकारों को पुलिस ने थाने में नंगा किया, उनमें से एक कनिष्क तिवारी है, जो एक टीवी चैनल से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हुआ ये कि उनका कहना है कि इस घटना के सामने आने के बाद उनको और उनके घर वालों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने उन पर फर्जी मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजने पर दबाव बना रहे। कनिष्क सोशल मीडिया पर सभी से उनकी आवाज बनने के लिए अपील कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कनिष्क, इस वीडियो में देखिए। परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ में मुझे ये पुलिस के एक सूत्र के द्वारा बताया गया है कि तुम्हारे ऊपर भी फर्जी FIR जो है लॉन्च पुलिस करने की तैयारी कर रही है, जिससे मतलब मुझे गिरफ्तार किया जा सके और ये पूरी तरह से फर्जी षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके लिए भी आप लोगों से निवेदन है कि आवाज उठाइए, आवाज बनिए, नहीं तो कभी कोई पत्रकार सच नहीं लिख पाएगा, कभी किसी दबे कुचले की आवाज कोई नहीं उठा पाएगा। कृपया साथ दीजिए, एक बार साथ दीजिए और मेरे परिवार और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और ये आप लोगों के हाथ में है। यदि आप एक बार साथ देंगे तो निश्चित तौर पर हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा जरूर प्रदान की जाएगी। धन्यवाद, प्रणाम। पत्रकारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। उसके बाद थाना प्रभारी और SI को लाइन हाजिर भी कर दिया गया। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पे MP पुलिस और सरकार को लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रितेश मिश्रा लिखते हैं, ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले के यूट्यूबर्स हैं, पता नहीं कौन सा अपराध है इनका, लेकिन कोई भी अपराध इतना गंभीर नहीं हो सकता कि इन्हें थाने में खड़ा कर दिया जाए। ये ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी का खुला मजाक है। कोई गलत है या आरोपी है तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीनिवास बीवी की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सीधी पुलिस थाने की है। अर्धनग्न खड़े युवा स्थानीय पत्रकार है, इनका गुनाह है कि BJP MLA के खिलाफ खबर चलाने की हिमाकत इन्हें भारी पड़ गई। आवेश तिवारी लिखते हैं कि ये नया भारत है, ये जो लोग थाने में अर्धनग्न अवस्था में खड़े हैं, ये सब पत्रकार हैं। इनमें सबसे बाएं खड़े दाढ़ी वाले भाई कनिष्क तिवारी के YouTube चैनल पर 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अब इन्होंने गलती ये कर दी कि पहले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में भाजपा के विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबर लिख दी थी। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।